इमेज इंडियन आर्मी, इस तरीके का इमेज, इस तरीके का छवि और इस तरीके का सोच अगर आपके दिमाग में होगा तो आप आर्मी अग्निवीर और इंडियन आर्मी की वर्दी एकदम इजीली ले पाएंगे। आज हमारे बीच में ये लड़के जो है आर्मी अग्निवीर के सोल्जर बनने वाले हैं, क्योंकि इनका रिटेन एग्जाम क्लियर हो चुका है और बहुत सा वीडियो आपके आर्मी अग्निवीर के ऊपर काफी वीडियो बन गया विद इन 2 से 3 दिन के अंदर। इन लड़कों के फ्रंट में लाने का एक ही मकसद था मेरा कि अब तक जो आर्मी अग्निवीर था वो 4 साल के लिए था, लेकिन सरकार के प्रपोजल के हिसाब से और विपक्ष के मजबूती के हिसाब से जो रिपोर्ट मांगा गया है 18 तारीख को विद इन 1 और 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जो भी होगा ये रिपोर्ट आने वाला है, तो वो अग्निवीर के पक्ष में बहुत मजबूती से आने वाला है, जो कि इस तरीके से है जो 4 साल की सर्विस थी उसको 7 साल इवन 8 साल के बीच में कन्वर्ट करने के लिए एक रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पहले ये रिपोर्ट इंडियन आर्मी द्वारा पहले से ही सर्वे में चली आ रही थी, सर्वे इसका पहले टाइम से हो रहा था, कई दिनों से हो रखा था, 4-5 कमांड के अंदर इसको पूरा दे दिया गया था कि इसको जो भी कमी है, जो भी अच्छाई या बुराई, इसका पूरा सर्वे रिपोर्ट 10 सचिवों की मदद से इसको किया जा रहा था। फाइनली जब ये चुनाव हुआ और चुनाव के बीच में जब विपक्ष ने अपना मजबूती अग्निवीर को लेकर और बेरोजगारी को लेकर दावा ठोका तो कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पे गई, और बैकफुट पे जाने के बाद उसको ये पता चला कि अगर अग्निवीर से हम छेड़खानी करेंगे, देश की सुरक्षा से छेड़खानी करेंगे, आर्मी से छेड़खानी करेंगे, तो नतीजा बुरा हो सकता है, जिसका रिजल्ट अच्छा खासा विपक्ष को देखने को मिला। लेकिन आज फाइनली जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आर्मी अग्निवीर का 7 साल की नौकरी होगा, 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा, जो छुट्टी थी 1 महीना वो 45 दिन कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग 42 हफ्ते का कर दिया जाएगा, जो 20-21 सप्ताह का था वो 42 हफ्ताह का कर दिया जाएगा, 1.5 महीने की छुट्टी आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा, 1 महीने से 1.5 महीने हो जाएगा। पैकेज आपका 21 लाख था, कितना था 21 लाख, अभी वो पैकेज जो बढ़ाकर 42 लाख रुपया 7 ईयर में, ओनली 7 ईयर में 42 लाख रुपया, वो 42 लाख रुपया जो कि सैलरी के अलावा होगा, वो आपके सैलरी में इंक्लूडेड नहीं रहेगा वो 42 लाख रुपया, तो बहुत बड़ा 42 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। 7 साल की नौकरी है आपकी, 7 साल में कोई दाव नहीं है, 7 साल तक जैसा भी लड़का भर्ती होता है और 7 साल नौकरी करेगा, और 60 से 70% के अंदर वो क्राइटेरिया आ रहा है जो 70% में जो 7 साल का लड़का है 70 और 60 के बीच में वो आगे बढ़ेगा और 20-25 साल तक करेगा। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि सर 60 और 70 साल के बीच के अंदर ये चीजें जो होती है तो बाकी बचा 40% क्या होगा, मैं ये बता दे रहा हूँ, 2-4 साल पहले ही मतलब बता रहा हूँ कि जब अगला 5 साल का चुनाव आएगा तो विपक्ष के पास कुछ भी मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि अग्निवीर का सोल्यूशन तकरीबन बीजेपी सरकार ने अच्छे खासे लेवल पे कर दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार, सपा, बसपा जो भी होगा एक बार फिर एकजुट बनाएंगे और वो बोलेंगे कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं अग्निवीर को पूरे दान में फेंक दूंगा। तो उस कंडीशन के अंदर एक बार फिर 5 साल बाद ये लॉजिक आएगा कि अग्निवीर को जो 60% से बढ़ा के परमानेंट कर दिया जाए। तो ध्यान देना, आप लोग अभी भर्ती होंगे, 5 साल बाद चुनाव होगा, 7 साल बाद आपको आना है, उस टाइम पे एक बार बहुत तेजी से अग्निवीर का परमानेंट मुद्दा गरमाएगा और सरकार इसको फिर पुनः 5 साल बाद ये विचार करेगी और एकदम ध्वस्त हो जाएगा अग्निवीर और फाइनली परमानेंट हो जाएगा। लेकिन 70% का मतलब होता है कि 30% के अंदर आपका दारू पीने वाले, कैटेगरी वाले और नौकरी न करने वाले, घर से प्रॉब्लम में जूझ रहे इकलौता लड़का 50 तरीके के प्रॉब्लमों से होते हुए 7 साल बाद ऑलमोस्ट 20-25% लोग घर आना चाहते हैं और उनके स्वेच्छा से दे दिया जाएगा, तो बचे हुए 70% ऑलमोस्ट वो परमानेंट हो ही गए। तो ये रहेगा ग्राफ, बहुत बढ़िया ग्राफ निकल कर आया है, जो 15% आपका अलग से जो दिया जाएगा क्राइटेरिया दिया है, अदर सर्विस 7 साल के बाद जब आपको रिटायर कर दिया जाएगा 42 लाख के पैकेज के बाद आपको 15% अदर सर्विस में सरकारी दिया जाएगा, वो अब के अग्निवीर से 1 लाख गुना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो लड़का आएगा 7 साल के बाद नेक्स्ट जॉब में उसको 15% की वरीयता मिलेगी और उसका जो कोटा होगा उसमें कोई सिविलियन एंट्री नहीं कर पाएगा, जैसे आज हम लोगों के कोटे में कोई सिविलियन एंट्री नहीं कर पाता, भले 100 वैकेंसी खाली रहती है।
तो इस हिसाब से अब ये लड़के जो कल तक एक चार साल के फेम में घूम रहे थे, चार साल वाले डीमोरल में घूम रहे थे, आज इनके पास बहुत बढ़िया मौका है, अच्छा मोराल होगा और इस तरीके से बॉडी बना रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं सब। और इनका रनिंग करने का मतलब कि जो ये चेंज होने वाला है उससे इन लोगों के मोराल के ऊपर फर्क पड़ा है, सात साल के मोराल के ऊपर फर्क पड़ा है, सर्विस के ऊपर फर्क पड़ा है और इनके कैरियर के ऊपर फर्क पड़ा है। कॉलेज में फर्क आ गया है जी सर, जब से इंजीनियर को सात साल 60-70% 42 लाख 15-15 महीने छुट्टी किया है फर्क आ गया है जी सर। मेहनत कर रहे हो कॉलेज जाते हैं इसका, ये वर्दी चाहिए, ये तिरंगा चाहिए। तो दोस्तों सबका मकसद तो होता ही है, आर्मी की जो नौकरी करता है उसका जोश, उसका जो जोश होता है, उसका तिरंगा करते जो सम्मान होता है वो अलग तरीके का सम्मान होता है, पैसे से नहीं जोड़ा जाता है उसको। फाइनली जब इंडियन आर्मी का जो सोल्जर्स तैयारी करती है, मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी तैयारी करती है, तो वो कभी पैसे को नहीं देखती, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो रुतबा है ना बहुत सर चढ़कर बोलता है। इसीलिए आर्मी के लोग आते हैं तो अलग फेम में रहते हैं, उनका एक अलग ही दिमाग घूमता रहता है, क्योंकि इतना मान सम्मान की नौकरी करके आते हैं वो लोग, और उन लोगों के बीच में छल कपट बहुत ज्यादा रहता नहीं, क्योंकि सिविल से कट के रहते हैं, तो अपना एक अलग कैरियर अपने अलग भविष्य में वो जीते हैं, तो अपना बचा हुआ लाइफ भी अलग भविष्य में जीना चाहते हैं, समाज से बहुत अटैच नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 16 और 18 साल की उम्र के अंदर जब एक लड़का समाज से दूर जाता है और अलग समाज फौजी समाज में जिसके अंदर बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर ही रहने की पूरी क्षमता होती है, सालों साल वो बाउंड्री के अंदर रहता है, लोगों से बहुत बातचीत नहीं करता है, 1-1.5 महीने की छुट्टी आता है, घर परिवार में बिताकर जाता है, तो उसका कल्चर ऑलमोस्ट एक दूसरे फ्रेम में चला जाता है। तो इसलिए अब आप लोग बड़ी मेहनत के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि मिक्स सेगमेंट के लिए जो जॉब है वो एसएससी जीडी पुलिस और आर्मी, उसमें भी आर्मी सबसे ज्यादा क्राउड वाली जॉब है, सबसे ज्यादा भीड़ के अंदर सबसे ज्यादा नौकरी और हर साल नौकरी खींचने वाली जॉब है, जो मिड सेगमेंट को सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी का ऑफर देती है, और ये नौकरी आपके डॉक्टर और इंजीनियर से कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है जब सरकारी में होता है। तो दोस्तों इतना बड़ा नौकरी 10 पास के लेवल पे आप एमबीबीएस बीएमएस बाकी लोगों को टक्कर देते हैं, जब आपका सरकारी नौकरी लग जाता है इन लोगों को आप 10 पास से होकर टक्कर देते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है लोगों का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं फौजी आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास सरकारी जॉब रहता है। तो इतना कम पढ़ा लिखा होने के बाद इतने बड़े लोगों को टक्कर देने के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, और आप लोग करिए, और आगे का जो आपका कैरियर होगा आपसे रिलेटेड आपके खानदान से रिलेटेड एक पूरा का पूरा जनरेशन आप चेंज कर देंगे, आप अपने आप को उठाइए, आपका बच्चा अपने आप आगे लेकर जाएगा, आप ही दब जाएंगे तो आपका जनरेशन बैक फुट पे होगा और कहीं कहीं पीछे चला जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने परिवार को आगे ले जाइए, अपने खुद को आगे ले जाइए। तो अग्निवीर के इस सेगमेंट में मिलते हैं सैनिक सम्मान निधि की योजना के तहत। जय हिंद, जय भारत।